नमस्कार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश है आज की अहम खबरें। निरसा में अवैध उत्खनन के खिलाफ पुलिस, ECL सिक्योरिटी और CISF का संयुक्त अभियान जोरों पर है, ताकि क्षेत्र में कोल माफिया की कमर तोड़ी जा सके। इसी क्रम में कापासारा आउटसोर्सिंग के पास SDPO के नेतृत्व में निरसा थाना गल्फरवाड़ी OP ECL सिक्योरिटी और CISF की टीमों ने संयुक्त छापेमारी करके भारी मात्रा में कोयला जब्त किया, जिसे कोल माफिया के इशारे पर स्थानीय लोगों के द्वारा चोरी किया जा रहा था। यहाँ पर स्थानीय स्तर से जो OCP या अवैध माइनिंग चल रहा है, उसमें कोयले तस्करी करके उसको साइकिल से और महिलाएं टोकरी झोड़ी से स्थानीय लोगों के द्वारा चोरी किए जाने की सूचना थी। इस पर ECL और OCP प्रबंधन के सहयोग से, उनकी जो सुरक्षा टीम के सहयोग से, पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और इस संबंध में अभी कोयले की तस्करी लगभग बंद है और इसमें हम लोग लगातार नामजद अभियुक्त के विरुद्ध कांड दर्ज करते हैं और इस संबंध में चार्जशीट भी समर्पित किया जाता है। कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तस्करों के विरुद्ध कुछ ऐसे तस्कर हैं जिन पर 10-12 की संख्या में कांड दर्ज है, उन पर हमने CCA के तरह के एक्ट के तहत भी कार्रवाई हमने किया है। इसमें हमारे मेरा थाना का सब जवान लोग था और ECL के थे और CISF के थे, एक साथ मिल करके इसको रेट किया। लगभग कितना कोयला होगा? कोयला लगभग 7 टन के लगभग होगा। इसी के साथ निरसा के भालुकसुंदा में अवैध उत्खनन स्थलों की भराई का काम भी जारी है। इसके बाद ये अभियान राजपुरा और दूसरे क्षेत्रों में चलाया जाएगा। ये अभियान निरसा थाना, ECL सिक्योरिटी और CISF की संयुक्त टीमों द्वारा चलाया जा रहा है। अभी हम लोग प्रशासन और CISF के सहयोग से इलीगल फिलिंग बहुत जोर शोर से शुरू किए हैं और हमारी कोशिश है कि इसको रोका जाए, इलीगल माइनिंग को रोका जाए। और इसमें हम लोग लगभग डेली ही ये काम जारी है। ये भराई अभियान कब से चलाया जा रहा है भालुक सुंदा? अभियान अभी आपका कल से शुरू हुई है। अभी लगातार जब तक इलीगल माइनिंग टोटल जब तक भराई नहीं होंगे तब तक ये चलते रहेंगे। कल 8 की भराई हुई थी और आज हम लोग को टारगेट कम से कम 15 फीट को भराई करेंगे। 15 से 20 फीट अभी कम यहाँ पर आ रहे हैं। अच्छा, भराई होने के कुछ दिनों बाद फिर से अनलीगल माइंस चालू हो जाते हैं, इस विषय में क्या कहना है? इसके लिए हम लोग प्रशासन CISF लगातार गश्ती करवा रहे हैं। इसके लिए जैसे भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर ये खुल गए हैं तो उसको तुरंत हम लोग भराई करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि कोल माफिया बंद पड़ी खदानों से बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के माध्यम से जब तक कोयले की चोरी करवाता है, जिसमें कई बार खदान धंसने से उनकी जान भी चली जाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पुलिस, ECL सिक्योरिटी और CISF की ताबड़तोड़ छापेमारी ने कोल माफिया की कमर तोड़ दी है। अगर पुलिस, ECL सिक्योरिटी और CISF की टीमें इसी तरह आगे भी मुस्तैद रहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोल माफिया को इलाके से अपना बिस्तर बांधना पड़ेगा।